रणवीर कपूर के करियर की 5 सुपर फ्लॉप फिल्में। नंबर 1 से हुआ था करोड़ों का बहुत बड़ा नुकसान। नमस्कार, कपूर खानदान के युवा अभिनेता रणवीर कपूर का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। रणवीर ने अपने करियर में ये जवानी है दीवानी और संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रणवीर कपूर की कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं। आज हम आपको रणवीर कपूर के करियर की 5 बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताएंगे। नंबर 5, जग्गा जासूस। साल 2017 में अनुराग बसु के निर्देशन में बनी फिल्म जग्गा जासूस रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर कपूर के साथ कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आई। 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में केवल 56 करोड़ का कारोबार किया था। रणवीर की ओवर एक्टिंग के चलते इस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। नंबर 4, रॉय। साल 2015 में विक्रमजीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म रॉय रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर कपूर के साथ जैकलीन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल लीड रोल में नजर आई थी। 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में केवल 36 करोड़ का कारोबार किया। नंबर 3, बेशरम। साल 2013 में अभिनय कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म बेशरम रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर कपूर के साथ पल्लवी शारदा लीड रोल में नजर आई थी। इसके अलावा रणवीर कपूर के माता पिता भी इस फिल्म में नजर आए थे। 95 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में केवल 70 करोड़ का कारोबार किया था। नंबर 2, सांवरिया। साल 2007 में संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म सांवरिया रिलीज हुई थी। ये फिल्म रणवीर कपूर की डेब्यू फिल्म थी। इसमें रणवीर कपूर के साथ सोनम कपूर लीड रोल में नजर आई थी। सलमान ने भी इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो किया था। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने केवल 29 करोड़ का कारोबार किया था। नंबर 1, बॉम्बे वेलवेट। साल 2015 में अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर कपूर के साथ अनुष्का शर्मा और करण जौहर लीड रोल में नजर आए। 118 करोड़ में के बजट में बनी इस फिल्म ने केवल 23 करोड़ का कारोबार किया है। ये फिल्म रणवीर कपूर की करियर की सबसे डिजास्टर फिल्म है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।